हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। दिसंबर 23 में मुझे पेट दर्द हुआ, हल्का हल्का, और जनवरी आते आते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तब मैंने सहारा हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय यादव को दिखाया, तो उन्होंने सारी जांचें करवाई। उसमें पता चला कि मुझे अपेंडिसाइटिस था। फिर 19 जनवरी को उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, जो कि काफ़ी माइनर ऑपरेशन था, और एक दिन बाद मैंने डिस्चार्ज भी हो गया था। तो उसके बाद मेरी रिकवरी काफ़ी आसानी से भी, काफ़ी जल्दी रिकवरी हुई। और लेकिन फेब्रवरी आते आते मुझे उल्टी आना शुरू हुआ। पहले तो सिर्फ एक टाइम ही होती थी, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन में तीन तीन टाइम, 4 टाइम्स अ डे होने लगी। फिर मैंने उनको, फिर अजय यादव सर को फिर से दिखाया, तो उन्होंने फिर सारी जांचें करवाई, सीटी करवाई। तो उसमें पता चला कि मेरे इंटेस्टाइंस ब्लॉक हो चुकी थी टीबी की वजह से, एब्डोमिनल टीबी की वजह से। तो फिर उन्होंने फिर ऑपरेशन किया मेरा मार्च में, सेकंड ऑपरेशन, जो कि काफ़ी मेजर ऑपरेशन था। तो उसमें मेरी इलियोस्टमी क्रिएट की, और मुझे कम 20-21 दिन रहना पड़ गया था हॉस्पिटल में। फिर 5 महीने मैं इलियोस्टोमी के साथ रहा। काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अजय यादव सर काफ़ी मदद किए मेरी पर्सनल वे में भी। उसके बाद 7 अगस्त को मेरा इलियोस्टोमी क्लोजर था। तब तक मैं बिल्कुल रिकवर हो चुका था, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना उल्टी, पेट दर्द, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। और 7 अगस्त को उन्होंने मेरा किया ऑपरेशन इलियोस्टोमी क्लोजर का, और उसके बाद से मेरी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही। मैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ, और उन्होंने मेरी 2 बार जान बचाई। दोनों बार काफ़ी मेजर केसेस थे, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। उन्हीं की वजह से मैं आज अपनी नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू। थैंक यू।